हाँ भाई, कहाँ चला गया? अबे घोड़ी आ गई, आ जा। रूम पे हूँ। अबे रूम पे क्या कर रहा है? सब लोग यहाँ तेरा वेट कर रहे हैं, आ जा जल्दी। अच्छा सुन सुन सुन, जूते वापस चाहिए होंगे ना तो कैश रख लेना अपने पास, तेरी साली मानेगी नहीं इतनी आसानी से, समझा? हाँ आ जा आ जा। मुझे टाइम लगेगा आने में। क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ मुझे आने में टाइम लग जाएगा यार। क्यों, क्या हो गया? अरे भाई कुछ बोलेगा यार, उसने मुझसे छुपाया यार। किसने, क्या छुपाया? सौम्या ने। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो रिलेशनशिप भी थी, कहीं और से पता चला मुझे। कहां से पता चला? बाहर मीनाक्षी ने बताया मुझे, उसको भी रिसेंटली पता चला। और उसको किसने बताया? सोमे के एक्स बॉयफ्रेंड ने। मैंने मीनाक्षी को उससे जाके मिलने के लिए भेजा है। भाई यार कोई जान ना पहचान तो किसी की बात मान लिया क्या? इसलिए तो मैंने इसको भेजा है यार। यार मैंने सौम्य के साथ सब कुछ शेयर किया यार, कुछ नहीं छुपाया, पहले दिन ही बता देते मैंने सब कुछ। सौम्य से खुद बात की तूने? क्या बात करनी उससे यार, फिर से नादान बनने का नाटक करेगा और क्या। बात तो ऐसे करती है जैसे दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं। ब्लडी हिपोक्रेट। अरे कम से कम किसी और से पूछने से पहले तू खुद उससे एक बार बात तो कर ले, सच क्या है उसी से पूछ ले भाई। हो सकता है अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर नहीं बोली होगी। देख शादी से पहले जो भी है सब क्लियर कर ले तू। तू रुक रुक, वही रुक, मैं आ रहा हूँ, कॉल लगाते हैं उसको। मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं यार, नहीं बात करनी मुझे उसे अभी, मेरी गलती है। आप बोलने से पहले एक बार पता लगना चाहिए था। तो फिर क्या करना चाहता है अभी? फिलहाल तो मीनाक्षी के कॉल का वेट करना चाहता हूँ और थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। अच्छा तू रुक, मैं कॉल लगाता हूँ सोमे को। वो तो कॉल नहीं उठा रही है, तैयार हो रही होगी। अच्छा सुन मैं काम करता हूँ, सोमे के घर जाकर तेरे से बात करवाता हूँ। देख जो भी है जल्दी सॉर्ट आउट करके तू बाहर आ जा, समझा? किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। अबे सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे हाँ सुन लिया यार। हाँ कॉल करता हूँ मैं तुझे। हेलो। कंग्रेचुलेशंस गौरव। हु इज दिस? इट्स मी रश्मिया, ये मेरा दूसरा नंबर है। अच्छा लिसन ना, आई एम सो सॉरी मैं नहीं आ पाई। आई रियली वांटेड टू बी देयर विद यू ऑन योर बिग डे, बट आई एम स्टक हियर इन एन ऑफिस कॉन्फ्रेंस। माय बॉस डिडंट गिव मी एनी लीव यार, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया था ना, बट ही वाज सो एडमेंट यू नो। गौरव you there? Yeah, I'm listening. Achha, by the way, I saw your engagement pictures. You guys make such a cute couple. I must
अच्छा रश्मि 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 या या आई एम गेटिंग रेडी नाउ बट थैंक्स अ लॉट यार रियली अप्रिशिएट अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है यू कैरी ऑन ना बाय 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 मैम चलो बाय The number you have dialed is currently busy. Please try later. The number you have dialed is currently busy. Please try later. Sorry, I was talking to him, so I had to decline the call. That's okay. कहाँ अभी? मैं बस यहाँ से निकल ही रही हूँ. So, क्या बात हुई? Well, yes, it's true. They were in a relationship for almost 2 years. Both were committed to each other, and they had complications, so they broke up. But yeah, they're not in touch anymore. When did you break up? Last year. And I don't think she's still a... No, she's not. Gaurav, are you all right? What are you going to do now? I don't know, Meenakshi. Really don't know. Look, you have to be strong now, okay? I think you need me. Where are you now? I'm in my room. Is anyone there to take care of you? No. I shouldn't have left you alone. Okay, just be there. I'm coming.
अच्छा सुन, सोम्या का फोन उसके बहन के पास है, वो तैयार हो रही है अभी। वो जैसे ही फ्री हो के मुझे कॉल करती है ना, मैं तुझसे बात करवाता हूँ। मैं भी रास्ते में ही हूँ। और हाँ, मैं बाहर सब पूछ रहे थे कि तू कहाँ है, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है भाई। अबे सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ भाई? तू जिसका भी वेट करना है ना, बाहर जाकर कर लियो। अंकल आंटी ढूंढ रहे हैं तुझे। भाई मैं तेरी जगह होता ना, मैं ऐसा कभी सौम्य वर्जन नहीं है। अब ये किसने बताया? मीनाक्षी का फोन आया था। नहीं पता यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा पीयूष, मैं क्या करूं? बहुत कुछ छुपाया यार उसने मुझसे, आगे पता नहीं और क्या क्या छुपाएगी यार। ट्रस्ट किया था अरे मैंने उस पर, अब ऐसे सिचुएशन मिला के मुझे खड़ा करते कि मम्मी पापा को ना कैसे बोलूं यार। यार ऊपर से वो वर्जिन भी नहीं है, कम से कम पहले बता देती तो क्या? शादी के लिए मना कर देता और क्या? अच्छा, और किस बात से मना करता है? कि उसने अपने एक्स के बारे में नहीं बताया इसीलिए? क्या तू बहुत ही बड़ा फेथफुल इंसान है इसीलिए? तूने अपने एक्स के बारे में बताया सब कुछ? बता दिया कि तू अभी भी कितने क्लोज टच में है उसके साथ? सुमे को पता है तू अपने एक्स को लेके आ रहे भारत में? हैं? जवाब देना। नहीं। सब कुछ जब शेयर किया है तो ये भी बता दे। इतना ही फेथफुल बन रहा है ना तू, तो मिलना बंद कर दे अपने एक्स से। दूर हो जा उससे, भारत में लेकर ही मत आ उसको। क्या वर्जिन वर्जिन लगा रखा है बे? तू है वर्जिन? बोल। नहीं। तो वर्जिन वाइफ की उम्मीद क्यों कर रहा है? हैं? देख, अभी ऐसे टाइम पे ना तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? तेरा बहुत हो गया, अब चुपचाप बाहर निकल और जाकर घोड़ी पे बैठ। मैं आ रहा हूं वापस, आ रहा हूं। अच्छा लिसन, आई टेकन अ कैब, आई विल बी देयर इन 10-15 मिनट्स। वैसे किससे बात कर रहे थे? नंबर बिजी आ रहा था। पीयूष से। इज एवरीथिंग ओके? व्हाट इज ही सेइंग? टेल मी वन थिंग, एम आई नॉट फेथफुल टू सोम्या? नो, यू आर फेथफुल। इज इट रॉन्ग टू नो अबाउट माय वाइफ्स पास्ट बिफोर मैरिज? क्या मैं तमाशा बना रहा हूं? No, not at all. Is it wrong to stay in touch with you and keep seeing each other? Is it wrong to take you along with me for my wedding? Gaurav, there's nothing wrong with it, okay? So just relax. पीयूष ने मुझे बहुत कुछ सुनाया यार। I don't know where did I go wrong. I really admire you, Meenakshi.
I really like being with you. But I'm not able to get over what you said to me. I'm still thinking about it. Gaurav, I can completely understand what you're going through. And I really want to come and give you a hug right now. But tell me, what shall I do? I mean, if you've changed your mind, then that's fine. If you ask me, I would say you should not wait for me. Barat ke liye nikal jana chahiye tumko. Besides, I don't want anyone at your wedding to get bothered because of me. Anyway, it's completely up to you to decide. I'll do as you say, and I'm still on my way. Gaurav, tell me, what shall I do? Do you still want me to come? Gaurav, I'm waiting for your answer. Tell me, shall I come or not? Yes, I want you to come. Thank you.